एक लोरी तो माँ सुन सुनाती है जी सुन वास्ते जो बच्चे अपने खुश करन वास्ते, एक लोरी ये धरती सुनाती है सानू जी साड़ी सकाफत साड़ी तहजीब साड़ी रिवायात साड़िया रवादारियाँ साड़े रस्म रिवाज उत्ते धरती नाल ही मुनसलिक होंदे ने वो भी लोरियां ने जिहड़ियां मुख्तलिफ अंदाज दे विच असीं सुणदे आं और उहदे विच ही साड़ी शख्सियत बनदी है उहदे च ही असीं जवान होंदे आं और उही फिर साड़ी जिंदगी दा महवर होंदी है। इक खूबसूरत चीज़ रूह च उतरन वाली चीज़ है, दिलों नूं जोड़न वाली चीज़ है, तो एक दूसरे वास्ते वाइस तस्कीन और बड़ी मुहब्बत वाली चीज़ है। मैनू अच्छी तरह याद है कि जिस वेले शाम वेले मैं एक जगह पर बैठता सी, सिर्फ हारमोनीयम होंदा सी, एक मकामी मेरे नाल म्यूजिशियन होंदा सी, असीं 100 बंदे नूं सारी रात एंटरटेन करदे सी बगैर किसी मुआवजे। आसान तरीका सी म्यूजिक नूं घर घर पहुँचाने दा, कैसेट दा हवाला सी और उस कैसेट दे हवाले नाल मैं थोड़े सामने मौजूद हूँ क्योंकि मैनू किसी टैलीविजन ने रेडियो ने प्रमोट नहीं किया। मैं कैसेट दे हवाले नाल थोड़े तक पहुँचे। मियांवाली दे लोग तो वैसे भी बड़े म्यूजिक लवर ने और समझण वाले, तुसीं वेख लो कि म्यूजिक साढ़े मियांवाली च किस हद तक कितना उन्हें काम किए म्यूजिक ने, उसकी वजह यह थी कि लोग सुरीले समझण वाले मन। अगर बेसमझ ना समझ लोग होंगे तो शायद म्यूजिक की ये पोजिशन साढ़े जिले के ना हो सकते, दूसरे जिलों के अजला भी लोग सुनने वाले मौजूद ने, लेकिन साढ़े इलाके सुनने का भी एक खूबसूरत तरीका और अज भी है। कसूर उन्होंने भी नहीं, कसूरवार अच्छी भी हाँ कि असं म्यूजिक नू की बना दिते, क्या साडा कल्चर है, साडी तहजीब है, असी जो नचना ते बेहजाई ते उन्हों प्रमोट कर रहे हैं वो साडे कल्चर का हिस्सा नहीं। अगर अज साडे सिस्टम का कोई बंदा खड़ा हो के कहिंदा कि बकवास बंद करो म्यूजिक बंद करो तो ठीक है, हक बजाने में। अगर असा अपनी खूबसूरत मौसीकी दे कपड़े उतार लेने उन्हों असी गलत रंग पेश करेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई बंदा, हूँ मैं अपनी रवायात तो जदों हटदा मतलब मेरे रवायात शादी ब्याह दियाँ हैं, कोई दुख दर्द दियाँ हैं, कोई दोस्तीदारी दियाँ हैं, कोई दुनियादारी दियाँ हैं, उन्होंने तो जिस वेले मैं हटाँगा तो मेरा कोई ना कोई बुजुर्ग मैनू आके डिस्टर्ब करे, मैनू आके मेरे गरीबान चू पकड़ेगा कि जो कुछ तू कर रहे ये साड़ी रवायात है, तो बेहतर है कि ना कर, जुबान नाल रोकेगा, जुबान नाल नहीं रोकूंगा तो हाथ नाल रोके, तो जो कुछ हो रहा है इनू जुबान नाल रोकने की बड़ी कोशिश की है लेकिन नहीं रोकया जा सके, तो फिर जाहिर फिर उस विच कोई माइनस किस्म का भी प्रोपोगंडा भी होएगा, माइनस किस्म के लोग भी आएंगे जिहड़ा फायदा उठाएंगे, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होएगी। सुक्की दे नाल सिन्नी भी सड़ जाएगी भाई, खुश्क लकड़ी दे नाल गिली लकड़ भी सड़ जाती, उहदे विच असी भी शामिल हाँ। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होएगी तो जाहिर ऐसी भी सड़ांगे। मैं पिछे मुड़ के देखदा तो मैं बंदूक छोड़ के इत्थे आया, मैं जिस कल्चर पैदा होया सी मेरी माँ ने मैनू बंदूक से पिस्तौल ही दिता, एक मैं उस साइड से रख के हारमोनीयम चुका, अमन मुहब्बत आशती ये दर्स दिता, लेकिन अज सोचना 40 साल बाद मैं कितने खड़ो, वही बंदूक मेरे को और मैनू उठाने मजबूर किया गया। जाहिर जिस तरह तुम कह रहे हो धमकिया मेरे को आएंगे तो मैं भी अगू चुका, अगर मैं मुकाबला नहीं कर सकता तो मारा जाऊंगा, यही हो जाएगा, लेकिन कम अज कम जेड़ा मैं मैनू मेरी घुट्टी शामिल है कम अज कम मुकाबला तो है भाई, मैं मुकाबला कराऊंगा ना सही, मैं उन्होंने तो कमज़ोर सही, लेकिन दो ही सूरत हो गई, या तो मैं उन्होंने मुकाबला करूँ या मैं मारा जाऊंगा, इस जिम्मेदार साढ़े अरबाब अख्तियार ही हैं। दुख यह होता है कि 40 साल पहले जो असी काम छोड़ के इस पास आए थे अच सू फिर मजबूर किया जा रहा है कि असं उ करें, ये कौन ले लो, अज भी अल्लाह करो अकल के नाखन लै लें कि शायद इस सूरत साड़ी ये जी आखिरी साह ने शायद असं कुछ साह लैन के काबिल हो जाए।